दोस्तों स्वागत है आप लोगों ने और प्यार जरूर चांस का नाम द शेयर मार्केट जोन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, जो कि कल के लिए वेल के लिए कौन सा लेवल रह सकता है। जिस तरह से मार्केट में गैप डाउन होकर मार्केट ने 200 ईएमए सपोर्ट को तोड़कर क्लोजिंग दिया, उस तरह से और पैनिक मच गया और बहुत सारे सेक्टर सीमेंट मेटल फार्मा जैसे सेक्टर को ले डूबा और बहुत सारे सेक्टर में इसमें शामिल हो गए हैं। तो जिस तरह से हम लोग पैनिक हो गए हैं, तो हम लोग फार्मा सेक्टर में कुछ ज़्यादा ही ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो उसमें बात करेंगे हम लोग और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बात करेंगे। और इस हम लोग देख सकते हैं 200 ईएमए सपोर्ट को भी तोड़कर मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया, जिस बहुत ही ख़राब क्लोजिंग हम लोग मान सकते हैं। तो हम लोग आगे बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने और उसमें और फार्मिंग सेक्टर में भी बात करेंगे और बाकी का कुछ सीमेंट्स के बारे में अगले वीडियो में आप लोग को अपडेट करेंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपडेट ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए चैनल में, लर्निंग के थ्रू आप लोग अर्निंग मिलता रहेगा। और आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो भी स्टॉक लिया जाता है देख सकते हैं वो पोस्ट होता है। और आप लोग को देख सकते हैं कि दो दिन में 12% अप और जैसे अब बाकी अपडेट न्यूज मिलता रहता है। टाइटन स्टॉक भी आप लोग को बुक करवाया गया। तो देख सकते हैं हम लोग आज निफ्टी में बात करेंगे, जो कि देख सकते हैं आज गैप डाउन हुआ। जी हाँ दोस्तों, गैप डाउन होने के बाद और भी सेलिंग मिला हम लोग को 200 EMA सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देने के साथ साथ बहुत ही सेक्टर को ले डूबा। और हम लोग को फार्मा के सेक्टर में भी कुछ बहुत ही ज़्यादा पैनिक्स बाहर से न्यूज़ आने के कारण और ही ज़्यादा गिरावट शो किया। और सीमेंट सेक्टर भी बहुत ही गिरावट शो किया इंडिया सीमेंट, लेकिन हम लोग इंडिया सीमेंट में पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, लेकिन उसके लिए और अलग से वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। लेकिन इसमें निफ्टी का बात कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं निफ्टी आज हमको सपोर्ट तोड़ता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग को अब लास्ट सपोर्ट 16800। जी हाँ, तो 16800 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। जैसा कि आप लोग को लेवल क्लियर दिख रहा है, इस लेवल के आसपास मार्केट अब इसको तोड़ा है, तो इसको लेवल को आने की गुंजाइश लग रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग तैयार रहिए नीचे और आने के लिए। थोड़ा सा 16800 अगर तोड़ता है तो मार्केट में और भी गिरावट बढ़ेगी और उसके बाद और लेवल आप लोग को खुलेगा, तो आप लोग को बाद में बताया जाएगा। लेकिन 16800 के लिए आप लोग रेडी रहिए नेक्स्ट वीक, इस वीक से नेक्स्ट वीक के आसपास तक आप लोग 16800 के आसपास रेडी रहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 16800 अगर आता है तो आप लोग थोड़ा बहुत बाय करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये पैनिक बाहर से, जी हाँ दोस्तों, बाहर से ग्लोबल से का हम लोग को पैनिक आ रहा है। लेकिन हम लोग को निफ्टी तो बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो न्यूज़ बाहर है, जो आईटी सेक्टर से ब्रेकडाउन मिल रहा है बाहर की खबरों से, उस कारण से हम लोग को निफ्टी में और बैंक निफ्टी में डाउन हो रहा है। लेकिन हम लोग को इससे डरना नहीं है, इससे हम लोग को बाय करके चलना है। जी हाँ दोस्तों, डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, हम लोग को उठा कर चलना है। जो कि 16800 का लेवल है, तो हम लोग पहले थोड़ा सा लेवल को एक्सपेक्ट करते हुए कुछ क्वांटिटी बाय करके चल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग को फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा इस वीक दिवाली से पहले तक जो भी नीचे मिलता है स्टॉक थोड़ा थोड़ा, बाकी अपडेट आप लोग को टेलीग्राम पे मिलता है, तो आप लोग स्टॉक उठाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छोटा छोटा स्टॉक लीजिए, छोटा छोटा क्वांटिटी में, और गिरता है तो और उठाइए, फिर मार्केट बढ़ता है तो आप लोग को प्रॉफिट होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट होगा। तो बाकी आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, बाकी अपडेट आप लोग को न्यूज़ मिलता रहेगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप लोग को तो डेली न्यूज़ मिलता ही रहता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग देते रहते हैं। तो निफ्टी का हो गया लेवल 16800, आप लोग रेडी रहिए आने के लिए। और बाकी अगर ऊपर जाता है तो आप लोग को लेवल मिल सकता है, जैसा कि देख सकते हो क्लोजिंग आप लोग 200 EMA के सपोर्ट के नीचे है, तो समझ सकते हैं कि ऊपर जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर 17000 ब्रेक कर देता है कल, तुम अगर सस्टेन हो जाता है ब्रेक करके, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 150-200 तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 150-200 तक जा सकता है। अगर 17200 को सस्टेन भी कर लेता है तो मार्केट फिर ऊपर की ओर चल जाएगा, लेकिन नहीं तो 16800 आने के बाद जा सकता है। हम लोग बैंक निफ्टी में बात करेंगे, जो कि देख सकते हैं 1% के आसपास डाउन होते हुए दिख रहा है हम लोग को। जी हाँ दोस्तों, दिन हो 2% डाउन मिलता है, तो इसमें भी लेवल देख सकते हैं, लेवल यही है जो कि आप लोग को ब्रेक होता दिख रहा है। तो हम लोग वन डे के चार्ट पे ओपन कर लेते हैं और इसका लेवल देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि लेवल हम लोग को इस लेवल के आसपास ब्रेकडाउन मिला, तो अगला लेवल हम लोग का खुल रहा है, जो कि है आप लोग के सामने ये रहा। जी हाँ दोस्तों, ये रहा, एग्जैक्ट बात करें तो ये रहा। जी हाँ दोस्तों, ये रह रहा 38455 का लेवल। जी हाँ दोस्तों, 38455 का लेवल आप लोग के लिए खुलता है नेक्स्ट निफ्टी बैंक अगर गिरता है तो। तो गिरता है तो आप लोग को इस लेवल को अपडेट में दिया जाएगा, इस लेवल को ध्यान में रखिए। अगर इस लेवल को टूटता है तो आप लोग को नीचे मिलेगा, लेकिन इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट करता है तो फिर मार्केट इस लेवल को आ सकता है। तो आप लोग को बाकी अपडेट मिलेगा टेलीग्राम पे, लेकिन आप लोग लेवल याद रखिए। अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते हैं तो थोड़ा सा समझ जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए इस वीक तक, क्योंकि इसमें बहुत ही ग्लोबल के कारण अप डाउन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, गैप अप भी हो सकता है कल, गैप डाउन भी हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, गैप डाउन भी होता है। तो 17200 के आसपास नज़र रखिए।
17200 का अगर गैप डाउन नहीं होता तो मार्केट 17200 के आसपास गैप अप होता है तो मार्केट में भी तुरंत बाय नहीं कीजिए, थोड़ा रुकिए। जी हाँ दोस्तों, तो नीचे आने दीजिए मार्केट को, आप लोग आराम से स्टॉक में उठाइए, स्टॉक में बने रहिए, चैनल में बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बस सारे अपडेट मिलते रहेगा, पैनिक नहीं करना, ऑप्शन में थोड़ा सा संभल कर खेलना। जी हाँ दोस्तों, मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है कल के लिए, तो ऐसी कोई पैनिक सेलिंग नहीं है, पैनिक इंडिया से कोई खबर नहीं है ऐसी ख़राब कि आप लोग डर जाए मार्केट फिर बहुत ही ज़्यादा नीचे आ सकता, तो बस थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बस बाय करके चलिए। और हम लोग अब फार्मा में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और अब हम लोग फार्मा सेक्टर में बात करेंगे, जो कि देख सकते हैं निफ्टी आज फार्मा सेक्टर को लोड हुआ है, डिवीज लैब और एन फार्मा जैसे स्टॉक को हम लोग आज 4-5% का गैप डाउन हम लोग को मिला है, और गैप डाउन होने के बाद देख सकते हैं मार्केट थोड़ा और नीचे आया है। तो हम लोग को डिवीज लैब का हम लोग को लेवल दिख रहा है जो कि 3500 के आसपास बंद हुआ है, तो अगर मार्केट इसको और नीचे आता है तो हम लोग को 3400 के आसपास पहला लेवल मिलेगा। अगर आप लोग ऊपर में लेकर फंसे हुए हैं, काफ़ी ऊपर लेकर आप लोग फंसे हुए हैं, तो आप लोग यहां पर एवरेज नहीं करिएगा, आप लोग एवरेज करिएगा, आप लोग लगभग 3000-3200 के आसपास मिलता है तो आप लोग एवरेज कर सकते हैं। हैवी क्वांटिटी लिए हैं तो एवरेज नहीं कीजिएगा, छोटी क्वांटिटी लिए हैं तो एवरेज कर सकते हैं। बाकी 3400 का लेवल रखिए, 3400 टूटता है तो और नीचे आएगा 3200 पे, और अगर ऊपर जाता है 3600 के आसपास तो आप लोग को 3800 तक ज़्यादा दिख सकता है मार्केट में। और बाकी आप लोग को भी कोई दिक्कत रहा, कोई ऐसी परेशानी हो तो DM कर सकते हैं आप लोग, टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, उस पे आप लोग को लिंक मिला। अब हम लोग और फार्मा के बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑरिएंटो फार्मा के बारे में बात करते हैं, इसमें भी देख सकते हैं 20 EMA सपोर्ट से अभी तक नीचे ही है, जैसे देख सकते हैं यहाँ से नीचे ही चल रहा है, तो इसमें तो कोई बाइंग का भी संकेत नहीं है, और इसमें आप लोग लेकर फंसे हुए हैं तो कुछ नहीं कर सकते, होल्ड कर सकते हैं आप लोग को होल्ड, आप लोग एग्जिट इसी लेवल पे कर देना चाहिए था 729 के पास, लेकिन आप लोग ने अगर इसको होल्ड रखा है तो आप लोग के लिए नीचे का लेवल निकल कर आएगा लगभग, जो आप लोग के सामने आएगा देख सकते हैं 496। जी हाँ दोस्तों, 496 अगर आप लोग 500-550 के आसपास अगर लिए हैं तो आप लोग 496 के आसपास आप लोग छोटी क्वान्टिटी में एवरेज कर सकते हैं, और हैवी क्वांटिटी ऊपर में लेके फंसे हुए तो कुछ नहीं कीजिए, आप लोग अभी बने रहिए। आप लोग के लिए और फार्मा जैसे स्टॉक में आप लोग को बहुत ही टाइम लग सकता है आप लोग को एग्जैक्ट लेवल आने में, आप लोग को बाइंग लेवल ऊपर में होगा तो, नीचे में तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, बने रहिए, नीचे में मिलता है तो ऐड कीजिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अपडेट आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, आप लोग को वीडियो के नीचे लिंक भी मिल सकता है, और सीमेंट सेक्टर का भी अपडेट आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, लेकिन आप लोग इंडिया सीमेंट से अपडेट वहाँ पर अगले वीडियो में आ जाएगा, लेकिन आप लोग को यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी और बाकी फार्मा सेक्टर में अपडेट मिल गया है, तो आप लोग अपडेट लीजिए टेलीग्राम पे भी और यहाँ पे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय।